डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड। नंबर 1, ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस देयर आर डैश टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन की बेस पर न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। नेक्स्ट, नर्व इम्पल्सिस आर कैरीड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स बाय द डैश न्यूरॉन्स, बाय मोटर न्यूरॉन्स। सो नर्व इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक कौन से न्यूरॉन लाते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। थर्ड वन, आवर स्किन एक्ट एज अ डैश एज इट डिटेक्ट स्टिमुलाई। आवर स्किन एक्ट एज, नेक्स्ट, आवर स्किन एक्ट्स एज अ रिसेप्टर। हमारी स्किन रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है, एज इट डिटेक्ट स्टिमुलाई, जैसा कि ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट, पंपिंग हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्शन। पंपिंग हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, बिकॉज हार्ट की पंपिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। Now fifth one, the pathway by which a reflex action is completed. वो pathway जिसके जरिए reflex action complete होता है is called reflex arc. उस pathway को क्या कहते हैं? Reflex arc. Next, question number 2, choose the correct answer out of 4 given against each statement. हर statement के लिए जो 4 फोर पॉइंट्स हैं, फोर ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। नर्व इम्पल्सिस मे ट्रेवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट के लिए सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इंटायरली कंपोज्ड ऑफ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? इंटरन्यूरॉन। बी इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इंटरन्यूरॉन मुश्तमिल होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। थर्ड वन, मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस आर प्रोड्यूस्ड बाय। नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में मैसेज प्रोड्यूस होता है बाय नर्व्स। नेक्स्ट, ग्लैंड्स इन अवर बॉडी एक्ट एज। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो किसके तौर पर एक्ट करते हैं? इफेक्टर्स के तौर पर। सो ग्लैंड्स इन अवर बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स। फिफ्थ वन, व्हेन वी पुल अवर हैंड क्विकली आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद हम अपना हाथ जल्दी से पीछे खींचते हैं। द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ, तो स्टूडेंट हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? स्टिमुलस। सो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो कि एक्सटर्नल चेंज है उसे क्या कहेंगे? स्टिमुलस। थैंक यू सो मच।